हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की रेसिपी है ये है मखाने नमकीन, और इसको मैंने जस्ट 1 टेबलस्पून देसी घी में बनाया है। ये फास्टिंग के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, नवरात्रि चल रहे हैं और आपका जब भी मन करे कुछ स्नैकिंग करने का तो आप इन्हें खाइए। तो इसके लिए हम ले लेंगे मखाने, साथ में मैंने लिए हैं बादाम, किशमिश, काजू और मूंगफली। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। चलिए आइए बनाते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें हम 1/2 टेबलस्पून घी का डाल रहे हैं। अगर आप घी में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम सबसे पहले डाल देंगे मखाने। मखाने यहाँ पर 50 ग्राम्स मैंने लिए हैं और जितनी भी क्वांटिटी है सारी ही 15 ग्राम्स है। तो इनको अब आपने स्लो फ्लेम में रोस्ट करना है, और जब आप रोस्ट कर रहे हैं तो इनको कंटिन्यूसली स्टीयर करती रहिए ताकि ये एक साइड से ना पक जाए और दूसरी साइड से कच्चे। देखिए अभी ये थोड़ा सॉफ्ट है, जब ये पक जाएंगे तो आप इनको दबा के देखिए एकदम से टूट जाते हैं, दैट मीन्स मखाने डन हो जाएंगे। चलिए आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मखाना ले लिया है, ये देखिए, और ये आसानी से टूट गया है, दैट मीन्स मखाने डन है। और अब हम अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने सेम पैन में ही घी डाल लिया है और साथ में अब ऐड कर रही हूँ बादाम, काजू और साथ में ऐड कर दिए हैं करी लीव्स। और अब हम इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे, और जब आप रोस्ट कर रहे हैं तो आप इनको स्लो फ्लेम में ही रोस्ट करेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल भी क्रंची नहीं होंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पर ये रोस्टेड मूंगफली है, सॉल्टेड। अगर आप चाहते हैं तो आप कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं और उसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये रोस्ट हो गए। तो साथ में अब मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर, और ये मैंने ऐड करा है अमचूर पाउडर। इसके आप बिल्कुल थोड़ी क्वान्टिटी ही डालेंगे। और साथ में मैंने ऐड कर दिए हैं मखाने जो हमने पहले से ही रोस्ट करके रख दिए थे। और यहाँ पर इसका जो चटपटा स्वाद करने के लिए अब मैंने डाल दिया है चाट मसाला और थोड़े से और काली मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, मखाने जो हैं बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू से फुलफिल्ड है, इसमें प्रोटीन एंड फाइबर काफ़ी रहता है और एंटीऑक्सीडेंट से तो ये भरपूर ही है। आप इनको फास्टिंग में खाइए तो बहुत ही एनी टाइम लाइक टी टाइम स्नैक है। ऑफिस में अगर वर्क कर रहे हैं तो आप इन्हें कैरी करिए, स्मॉल मंचिंग के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है किशमिश जो मैंने बिल्कुल एंड में डाला है। फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए आइए आप इसको सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पर इसको एक बॉल में निकाल लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखिए और इसको 1 वीक तक अपने फास्टिंग में अच्छे से एंजॉय करिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी फास्टिंग।